हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ प्राण की रेंज में एक और प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। प्राण एक बांग्लादेशी कंपनी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आप हमारे इसके मैंने और भी प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे। इसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गार्लिक टोस्ट। गार्लिक टोस्ट मतलब गार्लिक रस हो गया ये। और ये जो है एक बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट लगा मुझे, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया है। ऐसा इंडिया के कोई भी कन्फेक्शनरी जो जायंट्स है उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है इसके बारे में। और अगर मैं सच बात बताऊँ तो अगर आप किसी बेकरी शॉप्स में जाएंगे तो वहीं पे आपको गार्लिक टोस्ट मिलेंगे, गार्लिक रस मिलेंगे। और ऐसे पैकेजिंग में कोई गार्लिक टोस्ट किसी भी ब्रिटानिया हो गया, कोई और कंपनीज हो गई, किसी ने भी अभी तक नहीं निकाला है। उन्होंने और वैरायटीज़ निकाली होंगी पर गार्लिक टोस्ट किसी ने नहीं निकाला। एंड पर्सनली मेरा ये बहुत फेवरेट है। मैंने एक बार बहुत पहले बेकरी में गार्लिक टोस्ट लेकर खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, तो ये जब मुझे दिखा तो मुझे इसका रिव्यू मुझे ज़रूर करना ही था। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में। तो ये जो है ये 250 ग्राम्स का पैकेट है, ये 50 रुपीज़ का आता है, तो प्राइस वाइज मुझे बिल्कुल सही लगा। और ये मार्केट किया जाता है यहाँ पे वर्धमान इंटरनेशनल, सूरत गुजरात, यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, प्राइस मेंशन की हुई है। और इसमें जो है बीट फ्लोर, शुगर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, यीस्ट, मोनोसोडियम सल्फाइड, गार्लिक पेस्ट है। और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में पर 100 ग्राम में देखें तो एनर्जी 420 कैलोरीज, प्रोटीन 7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 71 ग्राम, फैट 12 ग्राम, ट्रांस फैट 0, सैचुरेटेड फैट 3। और ये प्रोडक्ट ऑफ बांग्लादेश है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रांड डेयरी लिमिटेड। और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। और इसमें जो है ये नोन फॉर इट्स डिलीशियस टेस्ट एंड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, इट इज़ बेक्ड जस्ट राइट विच इज़ एपरेंट फ्रॉम इट्स गोल्डन कलर, इट कैन बी सर्व एनी टाइम विद टी, मिल्क और यूज एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट। अब ये नहीं पता मुझे कुकिंग इंग्रेडिएंट की तरह इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा कोई रेसिपीज इसके साथ। पर ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा है। तो ये पैकेट मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर की क्वान्टिटी। आप देख सक रहे होंगे पीसेस, और छोटे हैं टोस्ट। ये देखिए इस तरह से, हाँ पैकेट को ओपन करके ना बड़ी अच्छी सी गार्लिक की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और आवाज़ आ गई होगी आपको, बहुत ही क्रिस्पी, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा मीठा, गार्लिक का बहुत अच्छा सा टेस्ट। प्लेन वाले मीठे रस खा के ना आपको कभी कभी बोरियत सी हो जाती है, तो ये ना बड़ा अच्छा सा वो है। ये एज अ गार्लिक ब्रेड की तरह आपके लिए काम करता है, इन्होंने मेंशन किया ना एज कैन बी यूज एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट। तो अगर मैं ये बताऊँ ना, इसके ऊपर आप बटर लगा के, ऑरिगैनो लगा के, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालिए, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़े तीखे हैं बीच बीच में, तो ना ये बड़ा अच्छा सा लगेगा आपके लिए, बड़ा अच्छा सा गार्लिक टोस्ट घर में रेडी हो जाएगा। कोक के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत यम्मी लगेगा। गार्लिक टोस्ट खाने का मन हो, लॉकडाउन हो और कुछ नहीं हो, तो इसके ऊपर ऑरिगैनो लगाइए, बटर लगाइए, तो ये बड़ा अच्छा सा टेस्ट देगा। और मुझे तो ये बहुत पसंद आया। एंड द आई विश के हमारी जो इंडिया की कंपनीज हैं वो भी ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएँ। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ सुन लें हमारी रिक्वेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसके मसाला बिस्किट्स, मिल्क बिस्किट्स, पोटाटा जो इनका मोस्ट फेमस है, ये गार्लिक टोस्ट, इनके रिव्यू हमने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ जाके देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।